मोहनपुर पुलिस की कार्रवाई, 72 घंटे के अंदर सीमेंट व्यवसाय से लूट मामले में उद्भेदन। मोहनपुर थाना क्षेत्र में हुई सीमेंट व्यवसाय लूट मामले में देवघर पुलिस ने इस कांड में संलिप्त सभी 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि बीते 24 अप्रैल को गोड्डा आसनमनी के सीमेंट व्यवसायी अब्दुल कासिम अपने ममेरा भाई समीर अंसारी व पड़ोसी रघुल अंसारी के साथ एक बैग में 11,50,000 रुपये लेकर देवघर के रास्ते गिरिडीह अल शिविर फैक्ट्री के मालिक को देने जा रहा था। जैसे ही तीनों मोहनपुर थाना अंतर्गत नवाकुरा जंगल के पास पहुंचा ही कि दो अज्ञात व्यक्ति व एक अन्य मोटरसाइकिल से दो अन्य आरोपी ने ओवरटेक कर उसे रोक दिया और पिस्टल का भय दिखाया था। आंख में मिर्च पाउडर डालकर उसके हाथ से रुपये से भरा बैग को उसी रास्ते से वापस गुटा चला गया था। तत्पश्चात अब्दुल कासिम मामले की सूचना मोहनपुर पुलिस को दी और पुलिस ने उसके बयान के आधार पर मोहनपुर थाना में मामला दर्ज कराते हुए कांड का अनुसंधान शुरू किया। मामले की सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को मिलते ही एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम का गठन किया। इस बीच मोहनपुर पुलिस को उसके साथ आ रहे उसके पड़ोसी रघु अंसारी पर शक हुई और उसे थाना में बिठाकर पूछताछ शुरू किया और कड़ाई से पूछताछ करने पर कुछ अहम जानकारी पुलिस को हाथ लगी। इधर मामले में जांच आगे बढ़ा और उसी रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो पता चला कि अपराधी इसी रास्ते से आया है और उसके साथ रुपये की छिनतई कर वापस भी इसी रास्ते में आ गया है। पुलिस ने रबुल अंसारी से पूछताछ करने पर मामले के में और जानकारी मिली और एसपी के निर्देश पर गोड्डा छापेमारी करने के लिए गया, जहां कांड में संलिप्त मनोज मंडल पड़ियाहाट गोड्डा, अमित कुमार पालपुर गोड्डा, ओम प्रकाश भगत दनसाही पथरगमा गोड्डा, मोहम्मद रबुल अंसारी, अब्दुल रहीम मोहम्मद गुलफाज खान अश्वान गोड्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट के 5,30,000 रुपये नकद, लूट के पैसा से खरीदा गया सोने का चैन, कांड में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, दो बैंक पासबुक, एक फोल्डिंग चाकू व 3 मोबाइल भी बरामद किया है। सीसी जाट ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि रघु को पहले से ही पता था कि ये लोग कई बार इसी रास्ते से पैसा लेकर गिरडीह जाता है और उसके मन में लूटने का प्लान बनाया और अपने रास्ते के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। एसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार मनोज मंडल, अमित बागवे व ओम प्रकाश भगत का आपराधिक इतिहास है। तीनों पूर्व में कई आपराधिक कांड जैसे लूट, हत्या, डकैती आदि कांडों में जल चुका है। फिलहाल पुलिस सभी को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। आज संडे को 24 अप्रैल को उसमें थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा लगातार अथक प्रयास किया गया। 72 आवर्स तक उन्होंने बिना रुके लगातार छापेमारी की। गोड्डा जिले में लगातार वो रहे और उनके इस प्रयासों, इंस्पेक्टर साहब और हमारे एसडीपीओ साहब के पर्यवेक्षण के बदौलत इस कांड में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने में देवघर पुलिस को सफलता मिली। 5.5 लाख रुपए की रिकवरी हुई और त्वरित कार्रवाई हुई। इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं और उनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा।